जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, सीए फाउंडेशन के एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मॉड्यूल टू के क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 3 से हम शुरुआत कर रहे हैं। कल तक की वीडियो में लास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर लिया था। ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लिख लेंगे ताकि हमारे काम में आ सके। 3:2 का मतलब है 3/5 और 2/5। क्वेश्चन में एसेट लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन दी है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो पार्टनर्स कैपिटल में ले जाए, लाइक गुडविल रिटर्न ऑफ करनी होती है, जनरल रिजर्व दिया होता है, पीएनएल दिया होता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, लाइबिलिटी एसेट साइड में कुछ भी नहीं है ऐसा। इसके बाद एडजस्टमेंट है दोस्त, सी आ गया है और 1/6 शेयर के लिए आया और 25 शेयर की कैपिटल लाया है। यानी सी भैया आए, 1/6 शेयर लाएंगे और 25,000 रुपए की क्या लाएंगे, कैपिटल। आगे बढ़े, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो 3:1 हो गया आपसे, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर ये चीज हम एग्जाम में लिख सकते हैं क्या, बेसिक इन्फॉर्मेशन की तरह? तो लिख सकते हो, आगे बस गिविन लिख देना। बचपन में लिखते थे ना हम लोग क्वेश्चन करते टाइम पे मैथमेटिक्स में, ये गिविन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। इससे क्वेश्चन बार बार पढ़ना नहीं पड़ता और समझ में अच्छा आता है। अब हमें इसका ओल्ड माइनस न्यू कर सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत दिक्कत करेगा हमें, क्योंकि हम जो लाई ये गुडविल लेकर आएगा या नहीं लेकर आएगा उसे इस रेशियो में नहीं बांट सकते, हम दोनों के बीच का सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे। सी अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर शेयर ऑफ गुडविल। ये भाई साहब गुडविल लेकर नहीं आए हैं, तो इसका मतलब हमें इनकी कैपिटल अकाउंट डेबिट करनी पड़ेगी। हम 12th क्लास की तरह करंट अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते। कैश में लाता तो भी हम प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट नहीं कर सकते, कैपिटल से एडजस्टमेंट चलती है। द डिसाइड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ शी शेयर इन प्रॉफिट एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाई हिम टू द फर्म। मतलब क्वेश्चन में गुडविल निकालने के लिए कोई परचेज ईयर वाला फॉर्मूला नहीं है, कोई कैपिटलाइजेशन मेथड नहीं है, कोई एवरेज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यूज नहीं होंगे। सिंपल इसके हिस्से को, इसकी कैपिटल को इसके हिस्से से मल्टीप्लाई कर देंगे और पुराने पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल को माइनस कर देंगे, देन हमारी गुडविल निकालेगी। दिस इज नोन एज हिडन गुडविल। क्या बोलते हैं? हिडन गुडविल, छुपी हुई गुडविल है, उसको हमें निकालना होता है। शी शेयर इन प्रॉफिट एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम टू द फर्म। फर्नीचर दोस्त रिटेन डाउन हुआ है, रिटेन डाउन हुआ है कितने रुपए का, 870 रुपए का। इन्वेंट्री डेप्रिशिएट हुई है 5% से। प्रोविजन जो है 5% का बनाना पड़ेगा, ट्रेड रिसीवेबल प्रोविजन। आउटस्टैंडिंग वेजेस का 1560 का। बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है 29,200 से। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 450 से बढ़ी है। मतलब मिसलेनियस एडजस्टमेंट है रिवैल्यूएशन की, और क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोली है। मन करेगा तो आप बना सकते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर यार रिवैल्यूएशन बनेगा या लास्ट क्वेश्चन की तरह मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनेगा? दोनों में फर्क आपको पता ही है। जो भी एडजस्टमेंट हम डेबिट क्रेडिट करते हैं उनको दोबारा से क्रेडिट डेबिट करनी होती है, डेबिट वाली क्रेडिट में और क्रेडिट वाली डेबिट में। चलो क्रेडिट और ये साइड डेबिट। यहां पर ऐसा कुछ नहीं करना, सिंपल रिवैल्यूएशन बनाना है, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है और डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड वाले में। ठीक है, न्यू वाले का इससे कोई मतलब नहीं है, न्यू के आने से पहले ही कम कर रहे हैं ये वाला काम। सबसे पहले फर्नीचर रिटन डाउन बाय 870, 870 रुपए से नीचे गिर गया है। मतलब उसकी कीमत जो भी थी 2,000, 5,000, 10,000, 15,000, बेसिकली थी तो 5,800, बट 870 रुपए का लॉस हो गया रिटन डाउन। जब भी कोई एसेट की वैल्यू कम होगी, सर कभी कभी हम डायरेक्ट लिख देते हैं अमाउंट, कभी कभी हम कंपेरिजन करते हैं। तो देखो 870 से रिटन डाउन बाई है बेटा, 870 रुपए से घट गया है। अगर रिटन डाउन 2 होता मैं दोनों वैल्यू में कंपेयर करता, पुरानी वैल्यू ये होती और नई वैल्यू ये होती जो लिखी होती, बट यहाँ 870 रुपए से लॉस हो गया, वो खुद आपको कैलकुलेट कर कर दे रहा है। इन्वेंट्री डेप्रिशिएट हुई है 5%, इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन्वेंट्री 21,400 की, उसका 5% 21,400 का 5% यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। 214×5,1,070 आएगा शायद, 1070 1070। नेक्स्ट प्रोविजन 5% का बनाना है डेटर पर। तो डेटर दिए हुए 35,000 के, 35,000 के, इसके 5% बनेगा, पर पहले से प्रोविजन मौजूद है 200 रुपए का। तो जब न्यू प्रोविजन ज्यादा होगा और ओल्ड कम होगा तो हमारा लॉस हो जाएगा, हम डेबिट साइड लिखेंगे इसको। ये ऐसी एडजस्टमेंट है जैसी आप फाइनल अकाउंट्स में यूज करते हो, सेम वैसी। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 35,000 का, सर 34,800 पे नहीं बनेगा? नहीं बेटा, डेटर हमारे 35,000 ही है। 200 का प्रोविजन तो पिछली बार सोचा था हमने, बट वो हमारे काम में नहीं आया किसी वजह से, हम उसको माइनस कर देंगे यहाँ पर। अगर ये चीज़ कम आती, यानो मानो यहाँ पर टोटल होता सिर्फ 1,000 रुपये,
हजार का 5% 50 रुपये आता, तो आप उसको इस तरफ करते, मतलब न्यू ज्यादा होगा प्रोविजन तो डेबिट में, और न्यू कम होगा प्रोविजन तो क्रेडिट में, क्योंकि न्यू प्रोविजन ज्यादा है इसका मतलब लॉस बढ़ रहा है हमारा, प्रोविजन को लेकर हमारे शक के दायरे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। तो 35,000 का 5% जो आएगा वो शायद 1750 आएगा, माइनस 200 करेंगे 1550, एक बार चेक कर लेते हैं, ये तो सर कुछ और ही है, सही है एकदम। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1560 का, पिछली साल कुछ आउटस्टैंडिंग वेजेस थी या नहीं थी नहीं पता, बट अब जो है 1560 की है, यानी आउटस्टैंडिंग पेमेंट कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जिसको हमने पेमेंट नहीं किया अभी तक, अब हमें पता चला कि इसको ही पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं लॉस हो गया हमें, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग। बिल्डिंग की वैल्यू जो अप्रिशिएट हुई है 29,200 पर, यहाँ कंपैरिजन करना पड़ेगा क्योंकि रुपीज वर्ड लिखा है बेटा अप टू ₹29,200, तो बिल्डिंग पहले थी 26,000 रुपये की, अब बढ़कर कीमत हो गई है इसकी 29,200, तो बाई बिल्डिंग इस केस में कंपैरिजन करना पड़ेगा, नई वैल्यू ज़्यादा है बिल्डिंग की, पुरानी वैल्यू कम है, 3,200 रुपये का क्या हो गया यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, 29,200 में से 26,000 गए 3,200। इसके बाद की कहानी दो और बची है, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया 450 रुपये से, बाई इन्वेस्टमेंट 450। इसके अलावा ट्रेड पेबल्स है 1,400 रुपये की जिनको पे करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ट्रेड पेबल्स इनको पे करने की जरूरत नहीं है हमारा प्रॉफिट हो जाते हैं, तो 32, 34, 46 और 4, 50, यानी प्रॉफिट ही आएगा 15, 30, 40, 48, अरे प्रॉफिट भी आ सकता है लॉस भी आ सकता है, टोटल कर ले भाई 1,800, 3,300, 4,800, 4,800, 2,000, 5,000, 5,000, 50,000 का 32, 34, 46 और 4, 50, अरे 5,050, 5,050, नो प्रॉफिट नो लॉस लग रहा है, 5,050, 5,050, नो प्रॉफिट नो लॉस, 5,050, 5,050, यानी ना प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन में ना लॉस हुआ है, सिंपल है, अगर होता प्रॉफिट तो इधर डेबिट करते। और पार्टनर्स कैपिटल में उसे क्रेडिट कर देते, और क्रेडिट का टोटल कम आता तो लॉस डेबिट हो जाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना हमें, इसका हमारे लिए मेन फेयर सॉल्यूशन है, इसके अलावा वर्किंग नोट्स के काम हम नीचे करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर का नाम है ए, पार्टनर का नाम है बी, पार्टनर का नाम है सी, पार्टिकुलर्स पार्टनर का नाम है ए, पार्टनर का नाम है बी, पार्टनर का नाम है सी, सबसे पहले बाई बैलेंस वीडियो डाला है इनके कैपिटल में से 44,000 और 36,000। इसके अलावा बैलेंस शीट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो क्रेडिट में या डेबिट में जाए, बैलेंस शीट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट या डेबिट जाए, वो पहले ही बात कर ली थी इससे रिलेटेड। इसके अलावा ब्रिंग ये ला रहा है 25,000 कैपिटल 1/6 शेयर के लिए, बाई बैंक ऑब्लिक कैश, या बाई बैंक भी लिख सकते हो, बाई कैश भी लिख सकते हो। अब बात है इनकी हिडन गुडविल निकालने की, जो ये बोल रहा है फॉर्मूले के हिसाब से, कि इनके हिसाब से निकालो, तो गुडविल इक्वल्स टू जिसका नाम हिडन गुडविल है, फॉर्मूला सुन लो पहले इसका, बोलता है नए पार्टनर का जो भी कैपिटल है उसके शेयर से उल्टा कर दो, इससे आ जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म, बस दोनों कैपिटल के बीच में कंफ्यूजन है, दोनों कैपिटल के बीच में कंपेरिजन है, टोटल कैपिटल ऑन द न्यू फॉर्म इस पर लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीज शेयर, और यहां भी माइनस जो होगी वो भी यही है दोस्त, टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म, बस न्यू फॉर्म में मैंने वर्ड लगा दिया न्यू का, ये भी फॉर्म है, अब टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म 25,000 रुपए कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/6 शेयर के लिए, उल्टा करेंगे 6/1 टोटल कैपिटल निकालेंगे ना, अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि 1 लीटर दूध में से 200 ml आपका है,
ठीक है, यानी 1/5 आपके पास पहुंचा है, 1 लीटर टोटल 1000 ml, 200 ml आपका है। अब वापस से मैं निकालना चाहता हूँ कि भाई कितने में से कितना आपका हुआ, 200 ml का मल्टीप्लाई कर दो 5/1 में, 1/5 शेयर आपका है, 25,000 × 6/1 माइनस करेंगे हम टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड फॉर्म, या उसमें तीनों पार्टनर की कैपिटल जोड़ देंगे, ए की, बी की, सी की। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है सर सिर्फ ए और बी की जोड़ो, सी की नहीं, चूंकि यहाँ और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, रिवेल्यूशन प्रॉफिट, रिवेल्यूशन लॉस, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, तो हम सिंपली ये लेंगे। अगर वो होंगी तो पहले और एडजस्टमेंट को करेंगे आप, देन माइनस करेंगे कैपिटल को। तो बेसिकली जो टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड फॉर्म है उसमें 44 + 36 + 25 तीनों की कैपिटल जोड़ेंगे। कई बार बच्चों कन्फ्यूज हो जाते हैं ए और बी की जोड़े जाते हैं, खाली तीनों की जोड़ेंगे तो 1.5 लाख, 44, 36, 80 और 1,05,000 कैपिटल आ जाएगी फर्म की, वो आ जाएगी 45,000, 45,000। 45,000 1/6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7,500 रुपये की। चाहो तो यहाँ वर्ड लिख सकते हो हिडन गुडविल 45,000, यहाँ शीज शेयर ऑफ गुडविल 45,000 × 1/6, 7,500 रुपये नया पार्टनर कैपिटल ले गुडविल लेकर आता, पर चूंकि बोल रहा है सी इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, अनेबल टू ब्रिंग इन गुडविल फॉर कैश, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसकी कैपिटल से एडजस्टमेंट करेंगे गुडविल का। तो एक बार यहाँ पर देखना, वर्किंग नोट बना रहा हूँ मैं ये भी। सबसे पहले कैपिटल किस तरह लाएगा वर्किंग नोट में, कितने हजार की, 25,000 रुपए की, इसके बाद इस कैपिटल को डेबिट करेंगे हम, 25 से नहीं करेंगे, 7,500 से करेंगे। क्यों, सिर्फ वो गुडविल वाला अमाउंट, जैसे पहले करंट अकाउंट किया करते थे क्लास 12 में, जो बच्चे कॉमर्स वाले उन्हें समझ में आ रही होगी, जिनको नहीं आ रही वो सिंपल ये समझो कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैपिटल से ही होगा, चाहे वो कैश में लाए या ना लाए, बस कैश में लाएगा तो 25 की जगह 32,500 हो जाता, 7,000 गुडविल का भी ऐड कर देते हम जो इसके हिस्से की, और नहीं लाएगा। अब इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि भैया हमें सैक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं पता। ओके, जब तक सैक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं पता गुडविल निकाल नहीं सकते हम, तो सैक्रीफाइसिंग रेशियो के ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। तो एज सैक्रीफाइस में फॉर्मूला नहीं लिख रहा क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है यहाँ पर और आपको चीज़ें समझानी भी है। बीज सैक्रीफाइस, सबसे पहले ओल्ड इनका शेयर कितना था, 3:2, यानी 3/5 और 2/5। न्यू कितना था, 3/6 और 2/6, तो 6 × 18, 5 × 15, 3/30, 6 × 12, 5 × 10, 2/30। बेसिकली 3:2 में सैक्रीफाइस किया है इन्होंने, माइनस 3/30 और 2/30 माइनस में लिख दिया क्योंकि न्यू में से ओल्ड माइनस कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हम कैसे भी करें उसे। 3/30, 2/30, तो सैक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया हमारा 3:2 क्योंकि दोनों के बेस सेम है। तो 7,500 को 3:2 में डायरेक्ट बांट सकते हो, इनकी तरह कन्फ्यूज में मतलब 45,000 का 3/30 में 2/30 मल्टीप्लाई करें डायरेक्ट कर सकते हो। ऐसा तब करेंगे इनकी तरह जब एक पार्टनर गेन कर लेगा, तो पूरी गुडविल ऑफ द फॉर्म में उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपली जो हमने ये एंट्री बनाई है 7,500 की, 3:2 में जाएगा तो 4,500 इसके खाते में और 3,000 इसके खाते में, 7,500 का 3/5 और 2/5 कर लेना। अब इस एंट्री को पोस्ट कैसे करेंगे, ए और बी भैया क्रेडिट हुए किसकी वजह से, सी की वजह से, तो बाई सी कैपिटल ए क्रेडिट हुआ है कितने रुपए से, 4,500 से, और ए और बी डेबिट हुए हैं तो टू सी कैपिटल, ए हुआ है 4,500 और बी हुआ है 3,000, बाकी का आ गया टू बैलेंस सीडी 44 और 4,500, 48,500। ओ भैया रुको 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 रुको, पोस्टिंग में गलती हुई, सी तो बेटा डेबिट हुआ है ना, तो वहां ए एंड बी का नाम लिखा जाएगा, जल्दी हो गई थोड़ी सी। 7,500 रुपये से डेबिट होगा, 4,500 या 3,000 जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अलग अलग किया उन्होंने, टू ए और टू बी एक संग भी कर सकते हो और बुक के तरीके से अलग अलग भी कर सकते हो। तो 48,500 आ जाएगी इसकी कैपिटल, 37,000 आ जाएगी इसकी कैपिटल, और 25 में से 7,500 गया, 17,500 आ जाएगी इसकी कैपिटल। इसकी तो आनी थी 17,500 क्योंकि 25 क्रेडिट हुआ है, 7,500 डेबिट हुआ है। बेसिकली सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ एक हिडन गुडविल की वजह से क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दिया।
ये हुआ आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरी तरह कंप्लीट। क्वेश्चन 48,539,39 को आ रहा है। अरे यार 36 और 39 39 ही तो होते हैं, टोटल सही लिख रहा हूँ पर आंसर गलत। चलो भाई क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 3 कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर बात करते हैं।